सर्दियों का मौसम आपको कई बीमारियों के करीब पहुंचा सकता है। अनेक बीमारियां इस मौसम में हमारे आसपास मंडराती रहती हैं। सर्दी, जुकाम, बुखार, त्वचा संबंधी समस्याएं सर्दियों के मौसम में आम होती हैं। जो लोग समय पर इन बातों का ध्यान रखते हैं और मौसम के अनुरूप अपना ख्याल रखते हैं, उन्हें तो सर्दी की बीमारियां छू भी नहीं पाती। लेकिन जो लोग बदलते मौसम में शरीर की जरूरतों का बिल्कुल ध्यान नहीं रखते, उन्हें कई बीमारियां अपनी चपेट में लेने को आतुर रहती हैं, जैसे हाइपोथर्मिया, टॉन्सिलाइटिस, अस्थमा, बेल्स पाल्सी, रूखी त्वचा। सर्दियों में अधिक कपड़े पहनने से शरीर को मॉइस्चर नहीं मिलता, जिससे त्वचा ड्राई हो जाती है, इससे वे फटने लगती हैं। पालीवाल हॉस्पिटल के डॉक्टर जीपी पालीवाल का कहना है कि ठंड के समय में हृदय घात जैसी बीमारियां ज्यादा होती हैं। गले में खराश होना, ठंड लगना, बुखार आना, ऐसी बीमारियां ठंड से होती हैं। वैसे देखा जाए तो ये साल का सबसे हेल्दी मौसम होने के बावजूद जो इन दिनों मौसम अब जो पेशेंट आ रहे हैं उनमें सर्दी खांसी जुकाम के ही जो मरीज होते हैं वो ज्यादा होते हैं, या फिर निमोनिया के मरीज होते हैं, या फिर जो बुजुर्ग होते हैं उनमें कहीं न कहीं हृदय से संबंधित बीमारियां या फेफड़ों से संबंधित बीमारियां ज्यादा आती। इस वक्त हृदय रोगियों की संख्या और हार्ट अटैक की संख्या तुलनात्मक रूप से वर्ष में सर्वाधिक पाई जाती है। सर्दी का मौसम अपने साथ कई बीमारियां भी लेकर आता है। बीमारी की वजह से आपको दवाइयां भी खानी पड़ सकती हैं। ऐसे में अगर आप अपने खाने पीने का ध्यान रखें, ऐसी चीजों को शामिल कर लें जिनसे ये बीमारियां ही ना हो, तो आपको परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। ऐसे में क्यों ना सावधानी बरत कर स्वस्थ रहा जाए। सर्दी के दिनों में व्यायाम करने में आलस ना करें। एक्सरसाइज करते समय पसीना आने पर फौरन गर्म कपड़े ना उतारें। इस मौसम में ज्यादा देर तक गर्म पानी से ना नहाएं, क्योंकि यह आपकी त्वचा से नमी को चुरा कर उसे रूखा बना देता है। कुछ उपाय हैं जो आप अपने स्तर पर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर समस्या ज्यादा हो तो डॉक्टर से जरूर मिलें।